जरा हटके जरा बचके, और ये मूवी देखनी है या फिर नहीं देखनी है ये डिसाइड करना थोड़ा सोच समझ के, क्योंकि इस मूवी में जितने पॉजिटिव्स हैं उतने ही निगेटिव्स भी हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सबके बारे में डिटेल में, वीडियो को पूरा देख लेना। देखो सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में, तो इसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सी है जिससे कि ऑलमोस्ट सारे ही मिडिल क्लास लोग रिलेट कर पाएंगे। सबका एक सपना होता है कि उनका खुद का एक अपना पर्सनल घर हो, और इस सपने के लिए अगर एक छोटा सा झूठ बोलना पड़ जाए, एक झूठी तलाक ही लेनी पड़ जाए, तो आखिर वो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जब इस तलाक के बारे में घर पर सबको पता चलता है और सबको ऐसा लगता है कि ये दोनों रियल में तलाक लेने वाले हैं, तो घर पर क्या ही भसड़ मचता है। ये सब कुछ देखना मूवी में काफी ज्यादा इंटरटेनिंग रहता है। मूवी में जो साइड कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं वो काफी ज्यादा अच्छे हैं, वो आपको इंटरटेन करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। इसी के साथ जिस तरह से लोगों को पता चलता है इन लोगों के तलाक के बारे में, और उसके बाद लोगों का जो रिएक्शन रहता है, जिस तरह से वो लोग अपने दिमाग में खुद के एज्यूम कर रहे होते हैं ये रीजन रहा होगा तलाक के पीछे, सब लोग अपनी अपनी थ्योरीज बना रहे होते हैं, वो सारे सीन्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, रिलेटेबल हैं और रियल भी लगते हैं। वही तो टेंशन है, आजकल के लोंडे भी तो दिशाहीन हो गए हैं। लेकिन विकी कौशल और सारा अली खान की ये जो फेक फाइट दिखाई गई है वो एक टाइम के बाद काफी ज्यादा रिपीटेटिव और काफी ज्यादा फेक लगने लगती है। लेकिन इसी के साथ बात करें इस मूवी के कॉमेडी सीन्स की, तो जो भी कॉमेडी सीन्स है ठीक ठाक ही है। कुछ सीन्स पर काफी ज्यादा हंसी आता है, कुछ सीन्स आते हैं और बस निकल जाते हैं, और कुछ सीन्स पर बिल्कुल भी हंसी नहीं आती है। जैसे कि एक कोर्ट रूम वाला सीन है जहां पर जो वकील रहता है काफी जोर जोर से चिल्ला करके बात कर रहा होता है एंड जज डर जाता है। ये वो जो सीन है वो सब बनाते टाइम मेकर्स को लगा होगा कि बहुत ही फनी है, लेकिन एक्चुअल में उस पर बिल्कुल भी मजा नहीं आता है, बिल्कुल भी हंसी नहीं आती है। एक और सीन है दरोगा वाला जहां बार बार आधार कार्ड मांग रहा है, पैन कार्ड मांग रहा है, ये नहीं अच्छा लगता है यार, वो सब थोड़ा क्रिंज लगने लगता है, पुराने जोक्स हो गए। इसी के साथ साथ मूवी अपने सेकंड हाफ में थोड़ा सा एक सीरियस टर्न लेती है, जहां पर कुछ एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा हो जाता है, और उसके बाद के जो सीन्स है वो थोड़े से हार्ड हिटिंग है, उनके साथ आप थोड़ा सा रिलेट कर पाते हो एंड वो आपको थोड़ा बहुत इमोशनल भी कर देती है। बात करें एक्टिंग की, तो विकी कौशल ने काफी ज्यादा अच्छा एक्ट किया है, स्पेशली जो लास्ट में जो सीरियस वाले रोल्स थे उनको उन्होंने काफी अच्छे से परफॉर्म किया है। इसके अलावा सारा अली खान ने भी ठीक ठाक ही कर लिया है, उनसे कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस मूवी के जो साइड कैरेक्टर्स है वो आपको काफी ज्यादा इंप्रेस कर जाते हैं, स्पेशली जो विकी कौशल के मामा मामी वाले कैरेक्टर्स हैं वो आपको कुछ ज्यादा ही रिलेटेबल लगते हैं, एंड वो सही बनाया गया है यार, उन कैरेक्टर्स पर काम किया गया है एंड वो कैरेक्टर्स आपको इंटरटेन भी करते हैं। पंडितों के घर में खड़े हो, यही मंदिर मार के फूंक देंगे। तो देखो यार, ओवरऑल बात ये है कि एक नॉर्मल सी एवरेज सी फैमिली ड्रामा मूवी है जिसको तुम अपने फैमिली के साथ जाकर के देख सकते हो। मूवी में कुछ खास ज्यादा अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हारी फैमिली इसको एंजॉय करेगी। और इसमें थोड़े बहुत कॉमेडी सीन्स हैं, थोड़े बहुत सीरियस वाले सीन्स हैं, थोड़े बहुत ऐसे रिलेटेबल एंड फनी सीन्स हैं, उन सारी चीज़ों को देख करके आपको मजा आ जाएगा। तो बस यही था आज की इस वीडियो में, मिलते हैं जल्दी को नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।